दोस्तों कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त गुरबिंदर। दोस्तों आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन पर आए हैं। ये आपका सनी में है, सेक्टर 125 मोहाली, और आप देख सकते हो एरिया पूरा डेवलप्ड है। आपके तकरीबन जितने घर हैं वो सारे बने हुए हैं, रोड्स आपके बिल्कुल रेडी है, हाउसेज रेडी है, पूरी जो सोसाइटी एकदम अच्छे से रेडी है यहाँ पर। और दोस्तों आज जो हम आपको घर दिखा रहे हैं ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा घर आप सामने से भी देख सकते हो। इसके विड्थ भी बहुत अच्छी है, 24 फीट का फ्रंट है, जो कि यूजली हमें नहीं देखने को मिलता हर जगह पर। इसकी आपकी जो डायमेंशन रहेंगी ये 24x42 की रहेंगी, 112 गज का घर है ये। दोस्तों हम बढ़ते हैं इस घर के अंदर की तरफ। आप जैसे सामने आप देखते हैं इसकी जो पार्किंग है काफ़ी खुली डुली, काफ़ी अच्छी सी पार्किंग है। आप गाड़ी लगाइए, गाड़ी लगाने के बाद भी आपको इतनी स्पेस है साइड पे कि आप टू व्हीलर भी लगा सकते हैं। और उसके अलावा भी हमारे पास जो यहाँ पर साइड पे आपको स्पेस दिख रही है यहाँ पर भी हमारे टू व्हीलर लग सकते हैं। फ्रंट हमने पूरा का पूरा टाइल्स के साथ कवर किया है, एक अच्छा टाइल्स कॉन्सेप्ट है कि आपको खर्चा ना हो, आपका खर्चा ही ना आए। तो दोस्तों चलते हैं इस घर के सफर पे। जैसे ही एंटर करते हैं तो हमारे पास सामने एक 3.5 फुट का और 8 फुट का बड़ा ही खूबसूरत सा बड़ा सा दरवाज़ा हमें मिलता है यहाँ पर, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ है, बाहर सनमाइका के साथ बोर्ड, ये काफ़ी हैवी डोर है, ये काफ़ी अच्छा मजबूत डोर। तो इस घर में एंटर करते हैं तो एक बड़ा ही खुला ढुला शानदार सा एहसास होता है यहाँ पर आते ही। देख कितना बड़ा ड्राइंग एरिया है यहाँ पर, आप ये लगाइए 112 गज के घर के अंदर इतना बड़ा ड्राइंग एरिया मिल जाए तो बात ही अलग है। बहुत ही प्यारा सा बड़ा सा ड्राइंग एरिया। आप देखिए ड्राइंग एरिया में हमें ऊपर की तरफ जो है पूरा अच्छे से फॉल सीलिंग डिज़ाइन हमें पूरा मिलता है। पूरी बड़ी सी विंडो है, आपकी पूरी रोशनी अंदर तक आती है। देखिए हमें कोई लाइट, एक भी लाइट ऑन नहीं की है, जबकि हमारे पास फॉल सीलिंग के अंदर पूरी एलईडी लैंप्स हर जगह मौजूद है, लेकिन हमने आज आपके लिए कोई भी एक भी लाइट ऑन नहीं की है। हमें पता था अगर लाइट ऑन करते हैं तो खूबसूरती और आती है, लेकिन स्टिल हमने कहा, सोचा कि आपको एक लाइव जो है एक एक्चुअल इमेज दिखाई जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके विंडो से बाहर का नज़ारा एक बड़ा ही खूबसूरत अल्टीमेट नज़ारा इसे बोल सकते हैं यार। आपके घर के सामने आपका अपना गार्डन है, एक अच्छा सा किचन गार्डन, आप अपने ग्रीनरी यहाँ पर मेंटेन कीजिए, प्यारे से खूबसूरत से फूल लगाइए और अपनी हर रोज़ की जो मॉर्निंग है उसको गुड मॉर्निंग बनाइए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी किचन आती है, बहुत ही प्यारी सी किचन है, काफ़ी अच्छी स्पेस है यार इस किचन के अंदर। आपको दूर से नज़र आया था स्पेस के मामले में घर बहुत वाकई बहुत खूबसूरत है। आपकी ग्रेनाइट की शेल्फ है, ग्रेनाइट की शेल्फ के नीचे आपके जितने कैबिनेट्स लगे हैं हैंडललेस हैं और बहुत प्यारे से रैक्स यहाँ पर पूरे मिलते हैं, हमें कोई कमी नहीं है यहाँ पर। डबल सिंक हमें यहाँ पर मिलता है, प्यारा सा सिंक, स्टेनलेस स्टील वाला सिंक है आपका, और इसके सामने ही आपके डिज़ाइनर जो टैप्स लगे हुए हैं बहुत ही प्यारे से टैप्स जो बिल्कुल गारंटी के साथ हमें मिलते हैं, 5-5 साल की गारंटी इनकी रहती है। और यहीं से हम थोड़ा सा ऊपर देखते हैं तो हमें बाहर का नज़ारा बहुत ही प्यारा सा नज़र आता है। आपके विंडोज़ हो या फिर डोर्स हो, जितने भी सारे आपके पॉलिश किए हुए हैं, सारी चुगाट आपकी जो है पॉलिश की मिलेगी। और यहाँ पर हाइड्रोलिक्स के साथ डबल लैमिनेशन। अब कलर देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर कलर जो यहाँ मिलाया गया है। देखिए सेम आपकी टाइल लगाई है लेकिन बिल्कुल ग्रेनाइट लुक के साथ है, ऊपर नीचे बिल्कुल सेम टू सेम, बहुत ही प्यारी खूबसूरत लग रही है यहाँ पर। एक यहाँ से पता लगता है कि यार डिज़ाइन है घर के लिए अपना घर, एक बड़ा खूबसूरत सा एहसास आता है यहाँ पर देख कर इसे।
तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि बहुत ही प्यारा सा, खूबसूरत सा और बड़ा सा बेडरूम है यार। ये बेडरूम आपका 14x11 का बेडरूम है आपका पूरा, बहुत ही प्यारा सा बड़ा सा बेडरूम। काफ़ी अच्छी स्पेस हमें यहाँ मिलती है, आपकी वार्डरोब्स पूरी ऊपर तक है, स्लाइडिंग डोर्स के साथ डीप है बिल्कुल, अच्छी स्पेस हमें अंदर मिलती है। और साथ में जो है हमें यहाँ पर ड्रेसिंग एरिया भी काफ़ी बढ़िया, बहुत खूबसूरत सा यहाँ मिल जाता है। और सामने आप देख सकते हैं टीवी पैनल की स्पेस, वो भी बहुत प्यारी सी दी गई है यहाँ पर। आप अंदाज़ा लगाइए, आप जहाँ से आपको अभी व्यू आ रहा है आप लगाइए अंदाज़ा, यहाँ पर आपका बेड है और आप किसी भी टाइम यहाँ बेड पर लेट रहे हो, अपना टीवी देखते हो, आप मैच देख रहे हो या कोई टीवी सीरियल देख रहे हो अपना मनपसंद, तो आपको मज़ा ही आ जाता है यार, बड़ा सा टीवी आपके बेड के सामने हो तो यार दिल खुश हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो है वॉशरूम, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन किया गया, आप देखिए सैनिटरी आपकी कितनी खूबसूरत यहाँ पर लगाई गई है, आप डिज़ाइन देखिए दिल खुश हो जाता है ऐसा, ऐसी चीज़ें देखकर। इसे कहते हैं प्यार से काम किया गया, हर जगह पर पूरे दिल के साथ लगन के साथ काम किया गया है। और यहाँ से दोस्तों हमारे आउटर डोर वॉशिंग एरिया के लिए, और यहाँ जितने भी दरवाजे हैं इनर या आउटर सारे आपके 8 फुट की हाइट है, एक अच्छा साइज यहाँ मिला है हमें, दरवाजे बड़े हो ना तो अच्छी स्पेस हमें मिल जाती है यहाँ पर। वॉशिंग एरिया में भी हमारे पास काफ़ी अच्छी स्पेस है, आप हमारे इजीली यहाँ पर बड़ी सी वॉशिंग मशीन रखें, नीचे टाइल्स जो आपकी दी हैं वो वुडन टेक्सचर के साथ, एक अच्छी स्पेस। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। दोस्तों फर्स्ट बेडरूम की तरह सेकंड बेडरूम भी वैसा ही बड़ा खूबसूरत सा 14x11 का एक बड़ा सा बेडरूम, बहुत खूबसूरत सी स्पेस है इसके घर के अंदर भी हमारे पास। आप तो देखिए हमने कोई लाइट नहीं ऑन की है, लेकिन जो रोशनी है इस घर के अंदर वाकई बहुत खूबसूरत है यार, हर जगह से आपको लाइट जो है पूरी मिलती है, पूरी आपको वार्डरोब जहाँ पूरी मिलेंगी हर रूम के अंदर आपको फॉल सीलिंग का खूबसूरत सा डिज़ाइन मिलेगा, हर रूम में आपको टीवी पैनल की जो जगह होगी वो मिलेगी, कोई कमी छोड़ी ही नहीं है कहीं पे। मुझे नहीं लगता आप ऐसे घर में आते हो तो आपको लगता है कि आपने कहीं पैसे लगाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, कोई भी नहीं। और ये दोस्तों हमारा वॉशरूम, काफ़ी अच्छी स्पेस, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन, टाइल्स का कलर देखिए आप कितना अच्छा कॉम्बिनेशन मिलाया है यहाँ पर, जितनी खूबसूरत सैनिटरी लगाई है उतना ही खूबसूरत यहाँ पर टाइल्स का डिज़ाइन दिया गया है। दोस्तों ये थे हमारे नीचे के दोनों बेडरूम्स, हमने देखे दोनों बेडरूम्स हॉल और किचन। तो अब हम बढ़ते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ, और यहाँ पर जो हमारी स्टेयर्स है बहुत ही खूबसूरत ग्रेनाइट के साथ, और स्टेनलेस स्टील की हमारी जो रेलिंग यहाँ पर हमें मिलती है, तो अगर मैं ये स्टेयर्स वाले एरिया में और ऊपर की तरफ आपको सीलिंग दिखाऊं तो जो डिज़ाइन है यहाँ ऊपर बहुत ही खूबसूरत, माइंड ब्लोइंग यार, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन दिया गया है यहाँ पर।
और इसकी जो बालकनी है ये भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर आपके पास ग्लास फिनिश के साथ आपकी बालकनी। तो दोस्तों यहाँ है हमारी फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस, तो हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर की जो एंट्रेंस है अंदर चलकर कैसा है। यहाँ पर सेम हमने जैसे नीचे देखा था, एक बड़ा सा डोर, हमारा एंट्रेंस डोर वाइड, काफ़ी अच्छी हाइट के साथ। दोस्तों ऊपर हमें जो है वन बेडरूम सेट पूरा मिलता है। हाँ, बड़ा सा एक बेडरूम एरिया हमें मिलता है एक बड़ी सी विंडो के साथ। ऊपर फॉल सीलिंग डिज़ाइन पूरा रहेगा, यहाँ पर भी विंडो आपकी बिल्कुल प्रॉपर पॉलिश में जैसे नीचे थी। टाइल्स आपकी सेम, वर्टिफाइड टाइल्स सेम रहेंगी यहाँ पर भी। और जो आपकी साथ में यहाँ एरिया आएगा, साथ में हमें यहाँ पर ड्रेसिंग एरिया थोड़ा सा अलग मिल जाएगा और इसके साथ ही वॉशरूम, अटैच वॉशरूम। पूरी हाइट के ऊपर तक के आपके जो वार्डरोब्स हैं, काफ़ी अच्छी वार्डरोब्स यहाँ पर दी गई हैं। और सामने यहाँ पर इसके आपका वॉशरूम देखिए कितना डीप है, काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पर मिलती है। वॉशरूम इसमें यार सारे बहुत खूबसूरत दिए गए हैं, कमी मुझे यहाँ किसी भी एक भी लोकेशन पे या किसी एक चीज़ में भी नहीं लगी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। दोस्तों नीचे हमारे पास यहाँ पर किचन थी, तो हमने इसको बैठक बना दिया है छोटा सा। आप यहाँ पर छोटा अपना ऐसे 5-सीटर सोफा सेट है, इजीली रख सकते हो, काफ़ी अच्छी स्पेस है। तो यूजली ये जो स्पेस होती है हमारे टेनेंट्स के लिए होती है। और पीछे हमारी ये रूफ, सनलाइट का यहाँ पर आप पूरा मज़ा लीजिए वुडन टाइल्स के साथ। वाह, बहुत ही खूबसूरत। आप यहाँ पे 2 बेडरूम्स और बना सकते हो अगर आप चाहते हो, और अगर नहीं चाहते हो तो यहाँ पर सनलाइट का मज़ा लीजिए, क्लोथिंग कीजिए, आपकी पूरी स्पेस आपकी अपनी है। तो दोस्तों ये था हमारा 3 BHK का हाउस, जो कि उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। और दोस्तों इस हाउस के बारे में आपके क्या सुझाव है हमें प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए। अगर किसी आपके चाहने वाले को ज़रूरत है किसी घर की, लाइक कीजिए अगर आपको बहुत पसंद आता है। अगर आपको पसंद नहीं भी आता है तब भी हमें यार कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए कि आपको क्या कमी लगती है यार, कहाँ हमें इम्प्रूव करना चाहिए। दोस्तों इस वादे के साथ मैं आपको फिर मिलूँगा, तब तक के लिए सत श्री अकाल।